लखनऊ में ओम प्रकाश राजपति की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अखिलेश को मेरी वोट की जरूरत नहीं। फॉर्च्यूनर विवाद पर बोले राजभर, मुझे कोई फॉर्च्यूनर नहीं मिला। ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किया ऐलान, एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे। यूपी में कम बारिश से खेती में हो रहे नुकसान को लेकर सीएम आवास पर मंथन अधिकारियों और मंत्री के साथ सीएम योगी ने की चर्चा। यूपी के बरेली में मीट की दुकानें बंद कराने पर बवाल, बीजेपी नेता पर तलवार से हमला। बीजेपी नेता पर हुए हमले पर हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का एक नया वीडियो वायरल, पहले जिस जगह पर नमाज पढ़ी गई दूसरी जगह उसी जगह पर नमाज पढ़ी गई। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज के खिलाफ आज सुंदरकांड पाठ का ऐलान, अखिल भारत हिंदू महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ता करेंगे पाठ। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सुंदरकांड पाठ का ऐलान किया, मॉल प्रबंधन ने थाने में दर्ज कराई है नमाजियों पर FIR। मॉल में नमाज मामले पर लुलु मॉल प्रबंधन ने जारी किया गाइडलाइन, मॉल के अंदर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि को करने से रोक। PFI को देश में बैन कराने की मांग, कानपुर में सूफी खान का एसोसिएशन ने की है मांग, PFI ने खान काफू से भी पैठ बनाई। राजस्थान के कोटा में स्कूल के सिलेबस पर विवाद, निजी स्कूल की अंग्रेजी बुक में उर्दू शब्दों को लेकर विवाद। कोटा में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा अम्मी अब्बू इंग्लिश मीडियम की क्लास 2 की किताब में अम्मी अब्बू और फारूक बिरयानी जैसे कई शब्द। कोटा में बच्चों के परिजनों का आरोप, बच्चे करने लगे हैं बिरयानी की जिद, गैर मुस्लिम बच्चे भी बोलने लगे अम्मी अब्बू। बजरंग दल ने शिक्षा के इस्लामीकरण का लगाया आरोप, बजरंग दल ने शिक्षा विभाग से कार्रवाई की मांग की। कन्हैया लाल मर्डर का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार, हैदराबाद से अजमेर लाया गया गौहर चिश्ती, गुरुवार को हैदराबाद में अमानतुल्ला के साथ हुई थी गिरफ्तारी। पुलिस से बचकर हैदराबाद में छिपा था गौहर चिश्ती, अमानतुल्ला नाम के व्यक्ति के घर पर ली थी शरण। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हुई गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी, कन्हैया लाल की हत्या का वीडियो बनाने का आइडिया भी गौहर ने ही दिया था। गिरफ्तार गौहर चिश्ती को लेकर अजमेर पुलिस करेगी बड़ा खुलासा, अजमेर SP करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अजमेर से भागकर हैदराबाद जा छुपा था गौहर। उदयपुर में धार्मिक जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने वाले, साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने उसके 3 साथियों को भी हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के दौरा, पीएम मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। पीएम मोदी सुबह हिम्मतनगर में साबर डेयरी से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे पीएम। आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त मिलेगी कोरोना की बूस्टर डोज, सरकारी और प्राइवेट केंद्रों पर लगेगी बूस्टर डोज, मोदी कैबिनेट के फैसले के बाद आज से हो रही है शुरुआत, 75 दिनों तक चलेगा अभियान। अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, योजना को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना करेंगे सुनवाई, पुरानी भर्ती प्रक्रिया में योजना लागू नहीं करने की मांग। ज्ञान व्यापी में श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई आज भी होगी, हिंदू पक्ष ने कहा मुकदमा सुनने योग्य है, ज्ञान व्यापी की जमीन में देवता मौजूद है। मथुरा जिला जज के फैसले को शाही ईदगाह कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी चुनौती, मथुरा जिला जज के फैसले पर रोक लगाने की मांग। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव पर UP सरकार की कार्रवाई, विधायक के भाई का 95 लाख का मकान हुआ कुर्क, भतीजे पर लगा गैंगस्टर एक्ट। बरेली में बीजेपी नेता पर हमले का मामला, पिता का वीडियो CCTV फुटेज वायरल हुआ, लाठी डंडे और धारदार हथियार से किया गया हमला। आगरा में कैदी को दीवानी परिषद से भागने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है, 2 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज, सिपाही ने अपने 2 को बचाने के लिए खुद पर कराया था हमला। यूपी के समा जिला कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था को परखने पहुंचे SP चक्रेश मिश्रा, पुलिसकर्मियों ने SP की तलाशी लेकर पिस्टल बरामद की। यूपी के बागपत में लूट कर भाग रहे 3 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 1 बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार।
हरदोई में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के घर के सामने पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग से युवक गंभीर रूप से झुलसा, युवक अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में पिटबुल डॉग को पकड़कर ले गई नगर निगम की टीम, पिटबुल को भेजा गया स्वान केंद्र। उन्नाव में मनमाने तरीके से चलाए जा रहे होटल पर प्रशासन का शिकंजा, लखनऊ कानपुर हाईवे से सांवरिया होटल में पुलिस ने मारा छापा, होटल किया सील। पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के चार सदस्य को किया गिरफ्तार, एक पिकअप, चार बाइक, दो तमंचा बरामद। आसमगढ़ में बैन पॉलीथीन थैलियां का खुलेआम हो रहा है प्रयोग, बाजार में पॉलीथीन से सामान लेकर जाते नजर आए लोग। अमरोहा के गजरौला पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया, आरोपी के कब्जे से चोरी के 6 बाइक बरामद। सिद्धार्थनगर में 4 दिन से लापता बुजुर्ग महिला का शव झाड़ियों में मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर चला बड़ा हादसा, मुख्य मार्ग पर गिरा मकान का छज्जा, कुछ कदमों की दूरी पर है विश्वनाथ मंदिर, छज्जे के नीचे लगी थी श्रद्धालु की लंबी कतार। अमरोहा नगर पालिका परिषद के सभासद और सपा नेता गुरु पहलवान के खिलाफ एक महिला ने छेड़खानी का दर्ज कराया गया। सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की मौत, 4 लोग घायल। बहराइच में अनियंत्रित होकर पलटी डबल डेकर बस, 1 की मौत, कई घायल। संभल में जमानत पर रिहा अपराधियों और उनके समर्थकों के जुलूस निकालने के मामले में एक्शन में पुलिस, जमानत पर छूटे अपराधियों की जमानत होगी निरस्त। कानपुर में प्राथमिक विद्यालय को कॉन्वेंट स्कूल के तर्ज पर विकसित करने की तैयारी शुरू, विधायक सुरेंद्र मैथारी ने कहा बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है। शाजापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया, 7 राइफल्स बरामद की। हाथरस के डिगरी कला गांव में 2 पक्षों में विवाद, चली गोलियां, फायरिंग में 1 बच्चे की मौत, 5 घायल। फिरोजाबाद के टूंडला तहसील में 2 पक्षों में जमकर चली लाठी डंडी, मारपीट में आधा दर्जन लोगों को चोटें आईं। जालौर में स्विमिंग पूल में नहाने गए नाबालिग बच्चे को संचालक ने दी तालिबानी सजा, बच्चे को पीटने का वीडियो वायरल। लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश न होने की वजह से मंदिरों में शुरू हुई पूजा अर्चना, श्री महाकाल मंदिर में हुआ भव्य आयोजन। खटीमा में सीएम धामी के काफिले पर गिरा पेड़, सीएम सेफ, चंपावत से लौटते वक्त हुआ हादसा। उत्तराखंड में गैरसैंण को लेकर सियासी उबाल, पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे सांकेतिक तालाबंदी, विधानसभा सत्र गैरसैंण में न होने का कर रहे विरोध। उत्तराखंड में सरकारी महकमे की कार्य संस्कृति में बदलाव की कवायद, सरकारी बैठकों में होगा समय का सदुपयोग। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जयपुर का दौरा, हरीश रावत ने आरपी चौहान का किया है सम्मान। उधम सिंह नगर में जीएसटी का सर्वे कर रहे अधिकारियों का विरोध, व्यापारियों ने सड़क पर फूंका जीएसटी विभाग का पुतला, उत्पीड़न बंद न करने पर बाजार बंद करने की चेतावनी। उत्तरकाशी के बोरी में जिलाधिकारी अभिषेक रूखेला ने किया है निरीक्षण, पंचायत की बैठक शामिल हुए डीएम, लोगों की समस्याएं सुने। उत्तरकाशी के उपला टकनोर क्षेत्र में राजमा की फसल पर मंडरा रहा है खतरा, राजमा के पौधे में पीलापन आने से सूख रही पत्तियां। रुद्रपुर कोतवाली में अल्बोड़ा में तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज हुआ मारपीट का मुकदमा, पुलिसकर्मी पर तमंचा लगाने का आरोप। चरमपति संगठन पीएफआई की महासाजिश का बड़ा खुलासा, भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की भी तैयारी। पटना में पकड़े गए आतंकवादियों के ठिकानों से कई आपत्तिजनक बैनर, पंपलेट, वीडियो बरामद, इसके साथ ही 8 पेज का विशेष पेपर भी मिला। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का मास्टरमाइंड है मोहम्मद जलालुद्दीन, झारखंड पुलिस ने दरोगा रह चुका है जलालुद्दीन। बुलवारी शरीफ में जलालुद्दीन के घर पर रची जाती थी भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश, ट्रेनिंग के दौरान कुर्सी पर बैठा रहता था मोहम्मद जलालुद्दीन। मोहम्मद जलालुद्दीन ने कबूला अपना जुर्म, कहा कि अतहर परवेज के साथ वो साजिश में था शामिल। बिहार के टेरर मॉड्यूल का सेमी पीएफआई कनेक्शन, पटना पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पटना में पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों से बड़ी साजिश का पर्दाफाश, पीएम ने कार्यक्रम में गड़बड़ी का था प्लान।
पटना के पीएफआई दफ्तर में एक बखवाड़े से दी जा रही थी ट्रेनिंग, केरल से फर्जी पहचान पर आते थे ट्रेनर। पटना के पुलवारी शरीफ से पकड़े गए आतंकवादियों के इरादे बेहद ही खतरनाक, जब्त दस्तावेज मुताबिक आतंकवादियों के निशाने पर थे पीएम मोदी। गुजरात में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के हालात। गुजरात के नवसारी में कोस्ट गार्ड ने महिलाओं और बच्चों का किया है रेस्क्यू, बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित है नवसारी जिला। गुजरात के नवसारी में कोस्ट गार्ड ने 6 लोगों को बचाया, कावेरी नदी में फंसे लोगों को कोस्ट गार्ड ने बचाया, सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गुजरात के वडोदरा में एनडीआरएफ ने करीब 180 लोगों का रेस्क्यू किया, सबकोई गांव में चला रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र में बाढ़ से अब तक करीब 100 लोगों की मौत, आज भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। केरल के 4 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी, भोपाल जबलपुर इंदौर समेत कई विभागों में अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट, प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। श्रीलंका में गोटाबाया के इस्तीफे के बाद जश्न का माहौल, कोलंबो में नाचते गाते नजर आए आम नागरिक। श्रीलंका में हटाया गया कर्फ्यू, हालात सामान्य करने की कोशिश जारी। इसराइल के राष्ट्रपति सम्मान पदक से नवाजे गए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, पद संभालने के बाद पहली बार इसराइल दौरे पर। स्पेन में भीषण गर्मी से लोग परेशान, 45 डिग्री तक पारा पहुंचने का अनुमान। यूरोप में गर्मी का कहर जारी, बढ़ते तापमान की वजह से पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग, लोगों के लिए अलर्ट जारी। अर्जेंटीना के विया गेसेल की सड़कों पर दिखे जानवर, सरकार ने जारी किया अलर्ट, घर पर रहने की सलाह दी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जेलेंस्की ने रूस पर लगाया है आरोप, कहा कि रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन में 20 लोगों की जान गई। रूस का दावा, कहा कि डोनेट्स्क में यूक्रेन बस स्टैंड पर किए बमबारी हमले में 2 लोगों की मौत। कोलंबिया में भूस्खलन से एक स्कूली बच्चे की हुई है मौत, हादसे के वक्त स्कूल में 22 और टीचर्स मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे। फ्रांस में राष्ट्रपति दिवस समारोह के समापन के दौरान एफिल टावर के पास की गई आतिशबाजी, यूक्रेन के झंडे के रंग में लाइटनिंग भी की गई। ललित मोदी संग रिलेशन में सुष्मिता से ललित मोदी फोटो शेयर कर बोले एक दिन शादी भी कर लेंगे। फिल्म इमरजेंसी के लिए कंगना रनौत का फर्स्ट लुक आया सामने, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल पे आएंगे नजर। फिल्म इमरजेंसी में 1975 में लगाई गई इमरजेंसी की घटना को दिखाया जाएगा। अभिनेत्री भाग्यश्री इस साल अयोध्या की रामलीला आएंगी नजर, बागश्री निभाएंगी राम भक्त मां शबरी का रोल। जानवी कपूर का गुडलक जेरी में दिखेगा अनोखा अंदाज, फिल्म में वो बिहार की बोली में बोलती नजर आएंगी। अशोक सम मुद्दे पर आया है अनुपम खेर का रिएक्शन, बोले कि ये शेर काट भी सकता है। मुंबई के मौसम का लुफ्त उठाने निकली है शहनाज गिल, किसान संघ बोया धान, हाथ में थामी कीचड़ में सनी चप्पल। क्लीन चिट मिलने के बाद आर्यन खान को एक और राहत, पासपोर्ट लौटाने की याचिका पर कोर्ट ने दी मंजूरी। कॉफी विद करण में नजर आएंगे सारा अली खान और जानवी कपूर, सारा अली खान ने साउथ एक्टर विजय देवरकोड़ा के साथ जाहिर की दीवानगी। लॉस के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड की टीम इंडिया को 100 रनों से बात, इंग्लैंड की सीरीज में 1-1 की बराबरी की। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए, तेज गेंदबाज रीस टॉपल्स की खात गेंदबाजी के आगे भारतीय पारी 140 रन पर सके। इंग्लैंड और भारत के बीच में हुए मुकाबले को देखने के लिए भारतीय टीम के कई पूर्व सितारे मौजूद रहे, गांगुली और तेंदुलकर ने एक साथ बैठकर देखा मैच। खराब फॉर्म झेल रहे कोहली का पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का बिला साथ, ट्वीट करके लिखा ये वक्त भी गुजर जाएगा, खुद को मजबूत रखें। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने देश के हालात के लिए नेताओं को ठहराया जिम्मेदार, कहा देश में लोकतंत्र की वापसी जरूरी। आईसीसी की गेंदबाजी में रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जबरदस्त फायदा, वनडे में नंबर 1 गेंदबाज बने बुमराह। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 3-1 से हराया, नवदीप कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे।